अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमने फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। ये जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल देखेंगे, 12 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो 12 को 2 × मैं 3 लिखा है, ये इसके फैक्टर हैं। उसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाना उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो ये तो हो गए इसके फैक्टर। अभी इसी तरह देखें, इसमें इसके इसको फैक्टराइज करना है तो इसको इसके प्रोडक्ट में हमने शो करना है। तो फैक्टराइजेशन की जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, इसकी टाइप्स होती हैं, फैक्टराइजेशन की टाइप्स हैं, उसमें सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप है वो है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन। तो आज हम फैक्टराइजेशन बाय कॉमन का यूज करेंगे। देखें, आपने सिर्फ ये देखना है इसमें से क्या चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है। तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लें। यहाँ से एक्स आ जाएगा, यहाँ 3y आ जाएगा। 3×3=9 होता है, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर 3y आ जाएगा। तो देखें, ये एक एक्सप्रेशन थी, हमने इसके 2 फैक्टर बना दिए हैं। ये 2 मल्टीप्लाई की शक्ल में हमने इसको दिखा दिया है, तो यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। देखें, ये एक एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर बना दिए हैं हमने, 2 प्रोडक्ट्स की शक्ल में हमने इसको शो कर दिया है, यही फैक्टराइजेशन होती है। और ये फैक्टराइजेशन की सबसे जो पहली टाइप है वो है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो है xy + xz। तो देखें इसमें क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, दोनों में x कॉमन है। x को कॉमन कर लें तो अंदर वैल्यू आ जाएगी y + z। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ये हमने इसको 2 फैक्टर में इसके प्रोडक्ट्स में शो कर दिया है। तो यही फैक्टराइजेशन होती है, किसी एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट्स में शो करना ही फैक्टराइजेशन है। मजीद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये है 30x³ − 45xy। तो देखें इसमें क्या चीज नजर आ रही है, एक तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 15 है, क्योंकि 15 के टेबल पे 30 भी आ जाता है, 15 के टेबल पे 45 भी आ जाता है। एक तो इसमें से 15 कॉमन आएगा और एक दोनों x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कम से कम इसमें x 3 है, इसमें x 1 है, तो कम से कम एक x कॉमन आ जाएगा दोनों में से। यहाँ 15 × 2 = 30, ये 3x है, एक कॉमन चला गया तो 2 अंदर आ जाएंगे। इधर 15 × 3 = 45x, y कॉमन चला गया, सिर्फ y अंदर आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टर्स शो करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो है 3m³ np − c 6m²n। तो देखें सबसे पहले तो इसमें 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन आएगा, m की पावर 3 है, m की पावर 2 है, तो छोटी पावर जो होगी वो कॉमन आ जाएगी, और n दोनों में मौजूद है, n कॉमन आ जाएगा। अब 3 बाहर चला गया, m की पावर 3 है, 2 कॉमन चला गया, 1 m अंदर आ जाएगा, n बाहर चला गया तो p अंदर आ जाएगा। इसी तरह इधर 3×2 = 6, m की पावर 2 बाहर है, n भी बाहर है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, इसके तकरीबन जो है ये 15 पार्ट हैं। इसमें से
आप पहले 10 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे होमवर्क में। मैं इसका पार्ट नंबर 10 सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। मैंने इसका पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10 लिखा है, इसमें देखें क्या नज़र आ रहा है कॉमन। सबसे पहले देखें तो 7 सब में कॉमन नज़र आ रहा है और एक्स सब में कॉमन नज़र आ रहा है, तो 7 और एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स 3, क्योंकि 7 बाहर है, 1 एक्स बाहर है, 3 अंदर आएंगे। 7 2s are 14 और एक्स वाई, 7 3s are 21, एक्स चला गया, वाई की पावर 3। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सबसे पहली टाइप है एक्स जो फैक्टराइजेशन बाय कॉमन। इसमें हमने सिर्फ देखना होता है कि क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहली टाइप है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन। तो आप इसके पहले 10 क्वेश्चन होमवर्क में करें, कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे।